अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो हमारी टेस्ट सीरीज से कैसे जुड़ना है इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, साथ में टेस्ट सीरीज से जुड़ने के बाद कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है इसकी भी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। ग्रुप से कैसे जुड़ना है वो बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि हमारी टेस्ट सीरीज कैसे कराई जाती है और उसमें क्या क्या होता है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है, इसके लिए आपको चाहिए स्मार्टफोन और 4G नेट। अगर आपका नेट ज़्यादा वीक है तो टेस्ट सीरीज नहीं चल पाएगी, इसलिए आपका जो नेट है वो 4G से कम नहीं होना चाहिए, यानी नेट जो है अच्छी स्पीड नेट में होनी चाहिए तभी टेस्ट आप अच्छे से दे पाएंगे। और ये जो टेस्ट है संडे और थर्सडे को 9 PM पर होता है। इसमें हम 50 क्वेश्चन देते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, समय लेते हैं 1 घंटे का, ठीक है। इसके बाद जो रिजल्ट है हम केवल 5 मिनट बाद ही विद नेम वो रिजल्ट इस ग्रुप में डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर हम एक बात और आपको बता दें, 5 मॉक टेस्ट पेपर भी हम लेंगे एग्ज़ाम से पहले। ये जो मॉक टेस्ट पेपर होंगे बिल्कुल एग्ज़ाम जैसे होंगे, जैसे एग्ज़ाम में आएंगे। 125 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 500 नंबर का ये पेपर होगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। इसका जो समय है उतना ही होगा जितना कि आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का समय होगा। चलिए अब हम बता देते हैं कि किस प्रकार आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है। जो भी आप वीडियो देखते हैं हमारे चैनल पे या जो वीडियो आप ये देख रहे हैं इसी में इस तरह की स्क्रीन आपके सामने होती है और यहाँ पर ये जो बटन होता है ये होता है डिस्क्रिप्शन का बटन। तो आपको करना क्या, इस डिस्क्रिप्शन के बटन को दबाना है। जैसे ही आप इसे दबाएंगे तो यहाँ से देखिए इस तरह का पेज आएगा, इसे हम थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देंगे। तो स्क्रॉल करने पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ देखिए TGT PGT मैथ व्हाट्सएप ग्रुप। तो यहाँ पे जो ये लिंक है इसको हमें टच कर देना। जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो हम एक ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको टच कर देता हूँ और यहाँ पर टच करने के बाद हम जो है एक ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो इस ग्रुप का जो है लिंक जैसे टच करेंगे तो इस तरह से खुल के आएगा आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए ये खुलने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर देखिए, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से इसे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसे आप जैसे दबाएँगे तो ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप आ रहा, तो आप व्हाट्सअप दबा के इस ग्रुप से आप इसे देखिए यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया। तो इस तरह करने के बाद आप जो है ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ज्वाइन ग्रुप, तो यहाँ से आप टच करके ग्रुप से जुड़ जाएंगे। लेकिन ये जो ग्रुप है वो टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप नहीं है, ये नॉर्मल ग्रुप है। तो इस नॉर्मल ग्रुप से जुड़ते ही आपको इस तरह के ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे। इस जुड़ते ही आपको जो है टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप से कैसे जुड़ना है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अपने पर्सनल आपके पर्सनल नंबर पर मिल जाएगी। यानी कि जैसे ही आप जुड़ेंगे आपके पर्सनल नंबर पर एक मैसेज आएगा पूरा, आप उसे पढ़ के कैसे जुड़ना है पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज से जुड़ने के बाद भी काफ़ी कैंडिडेट जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या जिन्हें इंटरनेट की जानकारी कम है, मोबाइल कम चलाना आता है, तो वो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, यानी कि टेस्ट नहीं दे पा रहे थे। तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आए थे जो टेस्ट नहीं दे पा रहे थे। तो आपको हम बताएंगे कि टेस्ट आपको किस तरह से देना है। तो जैसे ही आप उस ग्रुप से जुड़ेंगे, उस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको पर्सनल एक मैसेज मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह से आपको टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में जुड़ना है। साथ में यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें, टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी क्लास हमारी चलती है, उसका PDF भी उसी ग्रुप में दिया जाता है। अब देखिए जैसे ही आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो इस तरह का लिंक आपको मिलेगा टेस्ट के लिए, जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर के अंदर। अब आपको टेस्ट कैसे देना, देखिए ये जो लिंक है इस वाले लिंक को आपको टच करना है, और जैसे ही आप टच करेंगे तो देखिए इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे नेट थोड़ा स्पीड होनी चाहिए, अगर नेट की स्पीड कम है तो ये नहीं खुल पाता। आप देखिए इस तरह से ये जो है पूरा पेज खुल के आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का टेस्ट सीरीज हम लेते हैं, उसमें आपको जो ये रिक्वायर्ड बना है, ये स्टार बना, ये चीज़ें भरनी ज़रूरी है, वरना आपका टेस्ट ये सबमिट नहीं होगा। एक तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भरना है, नेम भरना, स्टेट, मोबाइल नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन है, कुछ क्या करते हैं कि यहाँ पर टिक करते हैं, इस पर टिक करते हैं, ये टिक नहीं करना। यहाँ ऑप्शन जो ये वाले बने 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई सा एक ऑप्शन सही है वो आपको टिक करना है। जैसे मान लीजिए इसका ए ऑप्शन सही है, मान लेते हैं ए सही है, तो देखिए ए को अगर हमें टिक करना है तो ये वाला जो ऑप्शन बना हुआ है
ये वाला ए, तो इसे टिक करना हमें। देखिए जैसे इसे टिक करेंगे तो इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा, रेड या ग्रीन या ब्लू जो भी है उसका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और देखिए जो भी ऑप्शन सही है उसके आंसर हम इस तरह से देते जाएंगे। बस हमें टच करना है जो आंसर सही हो, ऊपर पढ़ना है क्वेश्चन को और उसका जो आंसर है जो नीचे दे रखें ए बी सी डी इसमें टिक करना, और टिक इस तरह से करना है कि उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। देखिए इस तरह से चेंज करना, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही तुक्का लगा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको करना है और लास्ट में जाके देखिए आपको सारे फिल करने हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे छोड़ना नहीं, अगर आप क्वेश्चन छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस पे स्टार बना होगा वो आपको भरना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन है पूरे। इस तरह से सबमिट कैसे करना वो भी मैं बता देता हूँ। तो जैसे मैंने कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए, अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो लास्ट में जाके बिल्कुल, इसमें समय का आपको विशेष ध्यान रखना, अगर समय से आप नहीं भर पाएंगे तो इसका लिंक जो है वो बंद हो जाता है। इसलिए अगर टाइम 1 घंटे का तो 1 घंटे में ही आपको टेस्ट सबमिट करना। तो यहाँ पर देखिए रेड रंग का बटन है सबमिट, यहाँ पर कुछ और कलर भी हो सकता है, बस सबमिट लिखा होता है। जैसे हम इसे दबाएंगे तो सबमिट हो जाता है, और सबमिट करने के बाद देखिए तुरंत जो है, आप देखिए यहाँ पर ये लिखा आ रहा, यहाँ पर हमने कुछ भरा नहीं है इसलिए ये सबमिट नहीं हुआ है। तो रिक्वायर्ड वाले कॉलम में हम जब तक नहीं भरेंगे ये सबमिट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी ऐसे ही एक्स वाई जेड यहाँ पे ये भर देता हूँ, क्योंकि कुछ भी इसमें भरना ज़रूरी है, जब तक इसमें कुछ भरेंगे नहीं तो ये सबमिट नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए जो ये वाले हैं ये मैंने सबमिट, अब मैं सबमिट करता हूँ देखिए लास्ट में, अब देखते हैं। देखिए सबमिट करके तो यहाँ पे ये वाला जो घेरा है यहाँ देखिए ये ऊपर लास्ट में होता है सबमिट वाला, ये अब मैं इसको देखो यहाँ पे जो लास्ट में सबमिट का बना हुआ इसमें अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्टार बने वो भरने ज़रूरी है। जैसे इसको सबमिट करेंगे तो हमारा स्कोर जो है यहाँ पे शो कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तुरंत जो है ये लिखा हुआ आ रहा व्यू स्कोर, यानी यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं आपके कितने नंबर आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ व्यू स्कोर ये आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा स्कोर शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो स्कोर है केवल एक ही क्वेश्चन हमारा सही हुआ, इसलिए 4 नंबर दिखा रहा 200 में से 4, क्योंकि हमने तुक्का लगाया था, ठीक है। तो इस तरह टेस्ट देना, और टेस्ट के ठीक 5 मिनट बाद भी हम इस रिजल्ट को ग्रुप में भी डाल देते हैं, और ग्रुप में जो रिजल्ट डालते हैं वो नाम सही डालते हैं, तो किस तरह का स्कोर ग्रुप में आता वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए ग्रुप में जो हम रिजल्ट डालते हैं वो इस तरह से डालते हैं, इस तरह की सीट हम ग्रुप में डालते हैं। इसमें क्या स्कोर यानी यहाँ पर कितने नंबर आए ये दिखाएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नेम और किस स्टेट के हैं आप, तो ये सारी चीज़ें मिलती। जैसे पहले वाले कैंडिडेट के 192 नंबर है 200 में से, प्रतापगढ़ का है ये और नाम है नेहा देवी और उत्तर प्रदेश की हैं। तो इस तरह से सारी डिटेल नाम सहित जितने भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं सबका नाम सहित स्कोर भी हम ग्रुप में 5 मिनट बाद ही डाल देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे जो स्कोर है और से कितना ऊपर है कितना नीचे है, जिससे अगली बार टेस्ट में और ज़्यादा नंबर लाने का कंपटीशन हो। तो इस तरह से टेस्ट हमारा लिया जाता है। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो शीघ्र ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि TGT PGT में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी करें, आप कहीं भी करें लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा आप TGT PGT क्वालिफाई नहीं कर सकते। वैसे अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाए तो काफ़ी स्टूडेंट इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन बात ये नहीं कि क्वेश्चन करने की, मेन बात ये है कि 2 घंटे में ज़्यादा क्वेश्चन कौन करता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन 2 घंटे वही करेगा जो इस तरह की टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करेगा और टाइम मैनेजमेंट को बनाएगा, और टाइम मैनेजमेंट तभी बनेगा जब आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।